इंडिया। इस हफ्ते जजेस स्कोर्स के बेसिस पर तीन सिंगर्स होंगे बॉटम जोन में और जिस सिंगर को जनता ने सबसे कम वोट दिए होंगे वो हो जाएंगे फिनाले की रेस से बाहर और हमें मिल जाएंगे इंडियन आइडल सीजन 14 के सेमी फाइनलिस्ट यानी कि हमारे टॉप 7 सिंगर्स। सुरों की अदालत में अपनी नायाब आवाज लिए आद्या मिश्रा हाजिर हो। आद्या, सबसे ज्यादा बॉटम 3 में आने वाली आप हैं, इसके बावजूद कैसे टिकी हुई हैं शो में? आप ये भी देखिए कि मैं आज इन सबके साथ टॉप 8 में भी हूँ। मेरी आवाज मेरी पहचान है और मैं उसकी वजह से यहाँ तक आई हूँ। मैं उस आवाज पे लगातार मेहनत कर रही हूँ ताकि वो और बेटर हो सके, तो हर बार मैं कुछ नया पेश करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है और ऐसी आवाज़ है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं कि आद्या में हिम्मत की थोड़ी कमी है। आपको जजेस ने कई बार कहा ठुमरी गाइए। ठुमरी गजल्स? मैं चाहती हूँ कि ऐसा और गाओ तुम, मतलब इट्स लाइक इट्स योर स्पेस, तुम यहाँ पे उड़ान लेती हो अपनी पूरी। लेकिन आप नहीं गाती हैं, शायद आपको डर लगता है कि मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, मेरी असलियत ना लोगों के सामने आ जाए। तो आज फिर मैं ठुमरी ही पेश करूंगी और जिन भी लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया है तो ये सब ये आपके लिए है। आई होप आपको अच्छा लगे। मुझे लगता है कि जनता की जो ये फरमाइश है इसको आप जरूर पूरा करें। थैंक यू। की अदालत में अपनी रोमानियत पेश करने के लिए आ रहे हैं दिलबर दीपान हाजिर हो। शानू सर, ये गाना मैं आपको डेडिकेट करके गा रहा हूँ। क्या बात है, फैंटास्टिक, अच्छी तरह से गा। क्या बात है, क्या गाना लिया। ये जो गाना गाए हैं ना, जैसा एग्जैक्टली गाया गया था ठीक वैसे ही तूने इसको गाया। आई लव यू, फैंटास्टिक सिंगिंग, फैंटास्टिक। गॉड ब्लेस यू। मेरी अदालत में रजत जी के लिए कुछ क्वेश्चन है। आज आपको मौका मिला हिसाब बराबर करने का। मौका मिला मेरे को।
उनसे ये सवाल है कि इतने साल हो गए, एक तो आप बदले नहीं। ये सच है। आपकी जो ये खूबसूरती है, इसके राज क्या है? पहले तो ये बताना पड़ेगा। जो कुछ मेरे लुक्स हैं, उसमें जो भी कुछ अच्छा है, उसका क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। पिछले 30 साल से आपकी अदालत को डायरेक्ट कर रही हैं, मेरी लाइफ को डायरेक्ट कर रही हैं, मेरे डाइट से लेके मेरे लुक्स तक, क्या पहनना है, कैसा दिखना है, ये सब पूरी तरह उनके डायरेक्शन में होता है। क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने विवाद से जवाब दिया। मेरी अदालत में अभी इनका सजा ये है कि ये हमको दो लाइन गा के सुनाए अपने वाइफ के लिए, जिनकी इतना तारीफ किया इन्होंने। एक गाना है जो मैं गुनगुनाता हूँ, जिस पर वो कम ऑब्जेक्शन करती हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। अच्छे गाना भी सुन लिया। शुभदीप, मैंने आपको गाते हुए सुना है, वाकई में बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सर। लेकिन थोड़े चालू मास्टर हैं। अरे बाप। तो आप कोलकाता के लोगों को कहते हैं कि कोलकाता ट्रॉफी आने वाली है, क्या चक्कर है? लास्ट टाइम जब मैं आइडल में आया था, मैं काफी पहले निकल गया, ट्रॉफी मैं देख भी नहीं पाया जी। और बंगाल में सर अभी तक तो 13 साल हो गए, अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं आया इंडियन आइडल का। और मेरा दिमाग में चलता रहता है ये कोलकाता में लेके जाने की, मेरी एक सपना था जो शुरू हुआ था बहुत सालों पहले से सर। लेकिन कोलकाता से तो दो और लोग भी हैं, दीपक भी है, अनन्या भी है। सही सर। ऐसा तो नहीं कि कोलकाता के उम्मीद आप अकेले हैं, उनको भी ट्रॉफी जा सकती है? नहीं सर, मैं इतना मेहनत करूंगा और उसी फोकस में अभी हूँ मैं कि सबको लगे कि मैं डिजर्विंग हूँ। देखिए, ट्रॉफी कहाँ जाएगी ये तो देश की जनता डिसाइड करेगी जी। और देश की जनता क्या डिसाइड करेगी ये पता चलेगा 3 मार्च को, जब होगा ग्रैंड फिनाले इंडियन आइडल का। Absolutely. अब ऐसा पूछते हो ना, सीधा लगता है, इट्स स्ट्रेट, मतलब कोई मरम नहीं, पर ये लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट माय फ्रेंड, लेट्स गो फॉर इट। बाय। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब मिलाई के।
बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा मौला मेरे गगरे ग म म ग म द द म द नी नी द नी द द द द द द द द कमल दा मेरे गगरे ग म म ग म द द म द नी ज्यादा लिट है शुभ मुझे पता चला कि आप बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं हमेशा दूसरों की मदद करते हैं दादा ने मुझे पैसे भेजे माँ का इलाज कराया फिर दादा ने मुझे अपनी एकेडमी में नौकरी दिया जहाँ मैं बच्चों को म्यूजिक सिखाता हूँ अगर दादा नहीं होते तो आज मैं पता नहीं कहाँ पे होता मैं जब कॉलेज में पहले दिन एंटर किया था तो मेरे पास में जो फीस देने के पैसे थे उसमें से 3 रुपए कम थे और अकाउंटेंट ने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा और कहा कि निकल जाओ मेरी आंख में आंसू थे तो पीछे से एक आवाज़ आई अकाउंटेंट से कहा कि क्या फ्रेशर से इस तरह से बात करते हैं मैंने पीछे देखा वाइट पैंट वाइट शर्ट में ब्लैक बेल्ट यहाँ यहाँ तक कि कलमे बड़ा हैंडसम नौजवान वो अरुण जेटली थे अरुण जेटली उन्होंने अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकाला उनको दिया और वो मुझे कंधे पे हाथ रख के कैंटीन तक ले गए और वो जो उनका हाथ था वो जीवन भर जब तक वो रहे मेरे कंधे पे हमेशा रहा वाह आज मैं आपकी जो ये उदारता है इंसानियत है इसको देखते हुए आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और ये आपको देना चाहता हूँ ये आपके लिए है और मुझे लगता है कि आपकी जो इंसानियत से उदारता से इंस्पायर होके और बहुत सारे लोग ऐसे अच्छे काम करेंगे आप बहुत बड़े बनो ये मेरी ओहो हो ये एक माइक है wow.
जो आपको हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। जी सर, थैंक यू सो मच। सुरों की अदालत में भौकाली पेश करने वैभव गुप्ता हाजिर हो। को कहते हैं स्टेज पे आग लगा। अब सुनो तुम लोग भाई, ये कोई खाने का काम नहीं है कि कलकत्ता टफ रॉयल ट्रॉफी लेके चले जाओगे। समझ गया? अभी आ गया कानपुर। फैंटास्टिक सिंगिंग। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। मेरे हिसाब से ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है। थैंक यू। जो आप पर इल्जाम है
ये लोगों ने भेजा है। श्रेया जी, पब्लिक का इंप्रेशन ये है कि इंडियन आइडल में जो कुछ होता है स्क्रिप्टेड होता है, प्लान्ड होता है, टीआरपी के लिए होता है, क्या सच है? भाई, हमें ये नहीं पता था कि ऑडियंस को ऐसा लग सकता है। ये वाला शो जो ये सीजन 14 है, म्यूजिकली इट इज सो एनरिचिंग, मतलब इतना मजा आता है हमें यहाँ पर। ये सारे बच्चे जो एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देते हैं, जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं वो सच में दिल से निकलते हैं। हम सब एक ही चीज को पूज रहे हैं, साधना कर रहे हैं जिस चीज की, वो है म्यूजिक। और हम सच में दिल से वी आर ट्राइंग टू गिव आर बेस्ट टू द ऑडियंसेस। सो वो हर चीज जो होता है यहाँ पे सच होता है, और सच के सिवा कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें जो कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं उनका कोई फायदा नहीं होता, उनकी कोई कमाई नहीं होती। इंडियन आइडल ऐसा एक मंच है जहाँ पर इंडियन आइडल 5 के विनर रहे हैं श्रीराम, फिर इंडियन आइडल 10th में सलमान अली आए, दोनों के साथ मैंने गाने गाए हैं फिल्म्स के लिए, फिर अब इस सीजन में जो बच्चे हैं इनके लिए भी इतने रास्ते खुल गए हैं। विशाल शेखर ने फाइटर में इन सभी बच्चों को गवाया है, शानुदा ने अनन्या को गाने का मौका दिया, उत्कर्ष वांखेड़े जो अभी इस सीज़न का हिस्सा रहा है उसको भी लेके मैं टूर पे निकल रही हूँ। तो आई थिंक ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर सभी बच्चों के सपने साकार होते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, एंड आई थिंक द फ्यूचर इज़ एक्सट्रीमली ब्राइट फॉर ऑल दीज किड्स हु आर सीटेड हियर। आपके बात सुन के और बहुत सारे लोगों के सपने जागेंगे, और बहुत सारे लोग इंडियन आइडल में आएंगे, और बहुत सारे नए सिंगर बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रजत जी, थैंक यू। जूरों की अदालत में प्लेबैक वाली पेशकश लिए देश की बेटी अनन्या पाल हाजिर हो। तेरे आप
लिखे। जादूगरनी है ये मेरी खतूबा, खतूबा। परफेक्ट परफॉर्मेंस अनन्या, परफेक्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम। एक्सप्रेशन, मुर्कियाँ, सुर, डायनामिक्स, ग्राफ, जो चाहिए स्पार्क गाने में, वो एक्स फैक्टर जो चाहिए होता है इस गाने को एक लेवल अप लेके जाने के लिए, वो सारी चीज़ें तुमने देखी। गॉड ब्लेस यू। वाह, थैंक यू मैम। अनन्या, आपने इतना अच्छा गाया है, जिसको कहते हैं ना स्टेज पर आग लगा दी, लोगों के दिल जीत लिए, और मेरा आप पर कोई इल्जाम नहीं। आप आइए कटघरे से बाहर। लो कर लो बात। आपको लेकर कटघरे में मैं किसी और को बुलाना चाहता हूं, जरा भेजिए उन्हें। बुलाइए मुजरिम को। कौन है भाई? पापा के साथ मम्मी चले जाने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया था, तो 3-3.5 साल हो गए। ये दर्शकों को बता दूं, अनन्या के पिता हैं। और इल्जाम काफी गंभीर हैं। मम्मी की चले जाने के बाद 1 या 1.5 साल के अंदर पापा भी दूसरा शादी कर लिए। पापा रहकर भी नहीं है। ये छोटी सी बच्ची, जब इसकी माँ गुजर गई, इसको सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी, पिता की थी, और आपने उसको सहारा देने के बजाय उसका साथ छोड़ दिया। सच है ये बात? उनकी मादर चले जाने के बाद मैं अकेला हो गया था। थोड़ा भटक गया, इकोनॉमिकली थोड़ा डाउन हो गया था। इसी समय पे थोड़ा नहीं ध्यान दे पाया, इसलिए मैंने इसे माफी मांगा है और भी माफी मांगूंगा। इसलिए आया हूँ माफी मांगने, गले लगाने के लिए, और मुझे माफ कर देना। देखिए, इसने आपकी एब्सेंस में बहुत तकलीफ सही है, बहुत दुख सहा है, और आज अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी हिम्मत से, अपने हुनर से इतने बड़े मंच पर पहुंची है। जाहिर है किसी भी पिता को अपनी बेटी पर गर्व होगा, लेकिन ये जो आप माफ़ी मांगने की बात कह रहे हैं, ये इसलिए तो नहीं कह रहे कि कैमरे सामने हैं, पब्लिक सामने है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये दिल से आप माफ़ी मांग रहे हैं? मैंने दिल से उसे माफ़ी मांगता हूँ, वो मुझे माफ़ कर देना। अगर अनन्या ने आपको माफ कर दिया तो समझिए कि पूरी दुनिया ने आपको माफ कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे सच में पता नहीं था कि पापा आने वाले हैं। मैं प्रिपेयर नहीं थी। हुआ था, बहुत सारी चीज़ ऐसे हुआ था। जब मम्मी चली गई थी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी,
नहीं रह पाए। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, जैसे पॉजिटिव चीज़ें भी है कि बचपन में इन्होंने कितनी सारी सैक्रिफाइसेस किया मेरे लिए, मम्मी ने, पापा ने, और मैं कोई नहीं होती उनको माफ़ करने वाली, कोई भी नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे पापा है, पापा है, ये मेरी इनकी इनके लिए रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट तभी भी था, अभी भी है। अभी अगर पास में आए तो मैं रहूंगी इनके साथ। वाह। आज अनन्या तुम बहुत बड़े बन चुके हो, तुमने जो काम आज किया बहुत बड़ा मन की परिचय दिया, एंड यू आर रियली अ गुड गर्ल, आपको फख्र करना चाहिए इस बात। अनन्या जितनी बड़ी सिंगर है उससे भी बड़ी इंसान है, ये आज उन्होंने यह साबित किया है। अब आप वादा करिए कि एक एक वो पल जो इसने दुख में बिताया उसको आप कॉम्पनसेट करेंगे आने वाली जिंदगी। ऑफ कोर्स। ओके यार, कोनो कष्ट देबो ना, कोनो रकम दुख देबो ना। ओके, आई प्रॉमिस। अभी बहुत लंबा सफर आपको तय करना है, बहुत लंबा सफर तय। आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ। सुरों की अदालत में अपनी पावरफुल दलील पेश करने के लिए पीयूष पवार हाजिर हो। काश के हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। है काश के हम चांद मुझे। wow।
चांद मुझे आया है नजर। मेरे दिल में है अरमां कई कई, मेरी चाहत है अभी नई नई। मेरा चांद मुझे आया है नजर, आया है नजर, आया है नजर। स्पेशली आपके लिए था दादा। इतना सुंदर ये नहीं पता चल रहा था कि आवाज यहाँ से आ रही है कि वहाँ से आ रही है। ये बात है, देखो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। इतना खूबसूरती से गाए हैं, हर एक जगह तुमने सही लिया। मेरा चांद मुझे दो जगह इम्प्रोवाइज किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इंडियन आइडल नहीं मिला, इंडियन आइडल को तेरे जैसा सिंगर मिला। रजत सर, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज हमने देखे, उसमें से सर आपके लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल, यादगार, सबसे मजेदार इंटरव्यू कौन सा रहा है सर? अटल बिहारी वाजपेयी। अरे वाह, वो मैं समझता हूँ इस सदी के सबसे बड़े ओरेटर थे, हाजिर जवाब थे। और उसके कई साल बाद 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो नरेंद्र मोदी, वो भी जवाब देने बहुत थे। जी जब मैंने शो शुरू किया था मुझे कम लोग जानते थे, और जिसका वो शो किया उसको भी कम लोग जानते थे। उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, वो थे शाहरुख खान। अरे वाह, क्या बात है। मैं दिल्ली में एयरपोर्ट पर खड़ा था तो शाहरुख वहाँ आए, मैं नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे, मेरे पास आए, कहा कि सर आई हेट यू। मैंने पूछा किस लिए, आप जानते हैं मुझे? मैंने कहा मैं जानता हूँ, मैंने आपकी फिल्म के पोस्टर देखे, आपकी एक बाजीगर फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन हेट किस लिए, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? कहने लगे ये साहब, ये जो अभी यहाँ महिला थी ना, ये पोंछा लगा रही थी यहाँ पे, तो मेरे पास आई, कहते ए शाहरुख हट, आपके पास आई, कहते शर्मा जी जरा हटेंगे आप, शर्मा जी मैं शाहरुख। उसके बाद एक के बाद एक वो बात करते गए ही टर्नड आउट टू बी चामर। और वो शो जब उन्होंने किया, इट वॉज अ सुपर हिट शो, बहुत बड़ा शो हुआ। और उनकी ग्रेटनेस, उनकी महानता ये देखिए, जब वो 17 साल बाद फिर से आपकी अदालत में आए तो उन्होंने कहा कि मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू आपकी अदालत में था, सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया। उनका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।